मस्जिद नबी के ऊपर बड़े बड़े गुंबद नजर आ रहे हैं। इनकी तादाद 27 है, 1080 टन है। कभी आपने सुना होगा ये मस्जिद नबी का छत खुलता है। असल में इन्हीं गुंबदों को रिमोट के जरिए से ट्रेन की पटरी की तरह नजर आ रही है। इनके ऊपर आगे पीछे किया जाता है। मीनार की तादाद 10 है। साइड से जितने भी मीनार नस्ब किए गए हैं इनकी ऊंचाई तकरीबन 105 मीटर है। बीच में दो मीनार है, इनकी ऊंचाई 72 मीटर है। और यहाँ गुंबद खजरा की तरफ दो मीनार है, इनकी ऊंचाई 61 मीटर है। चारों तरफ से दरवाजों की तादाद 85 है। लाइटों की तादाद तैयार होगी तो इससे दो गुना तैयार होगी और उस वक्त 20 से 25 लाख लोग नमाज पढ़ सकेंगे। ये 2030 के विजन में शामिल है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस अजीम मुकाम को जल्दी से पाए तकमील करना चाहे। इसके बाद हम 550 साल पुराना मंदिर देखने के लिए आगे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाने में इस तरह का मिंबर हुआ करता था। 3 सीढ़ियों वाला मिंबर हुआ करता था। एक अंसारी खातून ने बनवा कर भिजवाई थी। इसके बाद हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने इसमें मज़ीद 6 सीढ़ियों की इजाफे कर दी, यानी 9 सीढ़ियों वाला मिंबर हुआ करता था। पहली मरतबा 654 हिजरी में मस्जिद नबी के अंदर आग लग गई। यहाँ 10,000 सहाबाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। तमाम और निकलते हैं बाब अल बकी से गेट नंबर 40। यहाँ सामने देखिए तीन चार किले नजर आएंगे आपको। इसी जगह थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का दरबार और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दरबार। जब बाब अल सिद्दीक से दाखिल हुए तो 5 किले की बात जुड़े हुए थे जुड़े हैं। इसी जगह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का दरबार था। इस जगह वहाँ हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला का दरबार था। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों की ज़ियारत को आपकी जो है कबूल फरमाए। आमीन। आप लोग जिन्हें इस नाश के लिए शुक्रिया आप इसके लिए सकते हैं। अभी मैं निकलने से पहले हमारे शरीफ है कि मोड़े से आप खरीद सकते हैं। जी भक्ता हम जाएंगे।